الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए सबसे पहले जी लगाकर बारगाह रिसालत और आला रिसालत में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा लियन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैक सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, आज इस बाबरकत और बाअज़मत और हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाले महीने की आज नौवीं तारीख है और आज के आने वाले शब दसवीं मुहर्रमुल हराम शरीफ की शब है, जिसे यौम आशूर के नाम से अहले इस्लाम में याद किया जाता है। यूं तो ये पूरा महीना बाअज़मत और बामुकर्रम है, लेकिन इस महीने में जो ख़ास फजीलत का हामिल है वो आशूरा का मुकद्दस और बेमिसाल दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को पूरी ज़िंदगी अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ख़ास दिनों में, जिनकी और दिनों की बनिस्बत ज़्यादा फजीलत है, बिलखुसूस उन दिनों में परवरदिगार आलम हम सब को बढ़ चढ़ कर अपने इबादत व रियाजत, तकबीर व तकदीस और तमाम तरह से बढ़ चढ़ कर नेकियाँ की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का यह मुकद्दस महीना ये बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने का ताल्लुक और इस महीने की नस्बत इस्लाम के बहुत सारे वाकयात से जो है मुंसलिक है। मजीद ये कि इस महीने की दसवीं तारीख को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल अली के लखते जिगर फातिमतु जहरा के नूर नजर की शहादत से भी जो है इस मुकद्दस दिन को जो है बड़ी गहरी नस्बत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूर के दिन का बड़ा एहतमाम फरमाया है। जब आप इस मुकद्दस दिन के ताल्लुक से जब आप रिवायतों का मुताला करेंगे, किताबों का जब मुताला करेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि आशूरा ज़माने जाहिलियत में भी कुरैश के नज़दीक बड़ा मोहतरम और बड़ा मुकद्दस दिन था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले वालों ने यह बड़ा मुकर्रम और मोहतरम दिन समझा जाता था।
इस मुकद्दस दिन में यानी आशूरा के दिन में ही जो है अहले कुरैश जो है काबा शरीफ पर जो है नया गिलाफ जो है चढ़ाते थे, और इसी मुकद्दस दिन में ये अहले कुरैश रोजा रखा करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो है आप भी जो है रोजा रखा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ इस बारे में जो है के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चूंकि कुरैश से बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो इस दिन में खास करके वह अहले कुरैश जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो नेकियां किया करते थे, और इस दिन को इसलिए भी जो है अहमियत हासिल है कि इस दिन में इस्लाम के बहुत सारे वाकयात जो है वो रुनुमा हुए हैं। आपने उलमाए किराम से सुना होगा, जो लोग किताबों का मुताला करते हैं उन्होंने किताबों में ये पढ़ा होगा कि ये वो मुकद्दस और बेमिसाल दिन है दोस्तों, जिसकी जब तारीख आप पढ़ेंगे तो आशूरा के दिन को बड़ा अहमियत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन में रोजा रखा करते थे। बाज़ रिवायतों में तो यह आया है कि जब तक रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज नहीं हुआ था, इस रोजे को फर्जियत का दर्जा दिया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन के रोजे के ताल्लुक से जो है आप सहाबा किराम को जो है तरगीब दिलाते थे, खुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजा रखते और लोगों को जो है इसमें रोजा रखने के ताल्लुक से ताकीद फरमाया करते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से जब आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, तो वहां जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां की यहूदियों को भी जो है रोजा रखते हुए देखा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालूम फरमाया कि ये लोग आज के दिन रोजा क्यों रखते हैं। यहूदियों ने फरमाया कि आज का दिन बड़ा मुकद्दस दिन है हम लोगों के लिए। पूछा गया वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पैरोकारों को जो है फिरौन से जो है निजात अता फरमाई, और इसी मुकद्दस दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को जो है गर्क फरमा दिया उसके लश्करों के साथ। उसके शुक्राने के तौर पर जो है हम लोग रोजा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हम तुमसे ज्यादा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोजा रखा। तो वो एक दिन रोजा रखते, फिर जो है किसी सहाबी ने किया या रसूलल्लाह इस तरीके से तो यहूदी भी करते हैं, यानी इस दिन तो यहूदी भी रोजा रखते हैं। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल अब हम पै दर पै दो रोजे रखेंगे, ताकि हमारी जो है उन यहूदियों के रोजे से मुशाबिहत ना हो जाए, इसलिए कि वो एक रोजा रखते हैं और हम जो है मुसलसल जो है दो रोजे रखेंगे। इसीलिए फुकहाए किराम जो है अपनी किताबों में जो है ये लिखते हैं कि इंसान जब रोजा रखे तो मुसलसल दो रोजे रखे, ताकि जो है इस एक रोजा रखने की बुनियाद पर जो है उन गैरों के जो है उस रोजे से जो है मुशाबिहत ना हो जाए। बहरहाल इसी मुकद्दस दिन में दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो मछली के पेट से जो है आप बाहर आए आज ही के मुकद्दस दिन में, और यही वो मुकद्दस दिन है दोस्तों जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। और यही आशूरा के दिन के ताल्लुक से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कितना फजीलत का हामिल है
और आज के दिन को जो है इस्लामी कितने वाकयात से जो है निस्बत हासिल है। आज ही के यानी आशूरा के मुकद्दस दिन में ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम को जो है उनकी कौमों से बचाते हुए आपको जो है आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उठा लिया। इसी तरीके से आप देखें जब ये तूफान नूह आया सारी दुनिया गर्काब हो गई, सारी चीजें तबाह बर्बाद हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पैरोकारों को जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो है सवार हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ही के दिन जो है उस कश्ती को तूफान नूह से जो है साहिल समंदर तक ला करके जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजात अता फरमाई। आप समझ रहे हैं। और इसी की तरफ जो है निस्बत करते हुए नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि लोगों मेरे घर के लोग मेरे अहले बैत जो है उनकी मिसाल बस ऐसे ही है जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती है। यानी जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पर सवार हुए रब कदीर ने जो है उन्हें निजात अता फरमा दी, और जो लोग उस कश्ती से दूर हो गए वो तबाह बर्बाद हो गए, हिलाक हो गए, गर्काब हो गए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिला तमसील इसी तरीके से हमारे घर वाले हैं, हमारी अहले बैत है कि जो इनके दामन से वाबस्ता हो गया वो कामयाब हो गया दुनिया व आखिरत में, और जो इनसे दूर रहा इनकी मोहब्बत इनके दिलों में न रही, और जो हमारे अहले बैत से मोहब्बत न रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया और वो गर्काब हो गया, और वो वैसे ही जो है बर्बाद हुआ जैसे वो लोग जो हजरत नूह की कश्ती का सहारा ना ले सके। हजरत ये बड़ा मुकद्दस और बा अजमत दिन है। मैं मुसलसल जो है आप लोगों के सामने करबलाए मौला और नबी के घर वाले के ताल्लुक से जो है मैंने आपके सामने हर उन अफराद की और उन खानवाद नबूवत के उन चश्मो चराग की जो है मुख्तसर मुख्तसर सी जो है फजीलतें आपके सामने बयान की हैं। आज इंशाअल्लाहुल अजीज शब आशूर है, दसवीं की रात है। आज इंशाअल्लाह ताला जो है मदरसा इस्लामी अशरफिया में जो है जिक्र शहदाए करबला प्रभु की एहतमाम के साथ जो है मनाया जा रहा है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जो है इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा जो है आप उस मुबारक और बाअज़मत महफिल में शिरकत फरमाएं, और सरकार इमाम अली मकाम शहीद करबला सैयदुश्शुहदा व दिगर शहदाए करबला के ताल्लुक से जो है आप समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अकाबिरीन की जिंदगी को जो लोग समाअत फरमाते हैं अल्लाह उसकी बरकत से उनकी ईमान में पुख्तगी पैदा फरमाता है, और उस मजलिस के बहुत से फवायद जो है इंसान को हासिल होते हैं। आप सुने और सुनने के बाद ये महसूस करें कि हम वही हुसैनी हैं, हम अपने नाम के आगे हुसैन लगाते हैं, हम अपने आप को हुसैनी करते हैं, उनका किरदार किया था, और जिस हुसैन का नाम लेकर के हम जिंदगी गुजार रहे हैं आज हम हुसैनियों का किरदार किया है। जब आप तारीख सुनेंगे उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे और फिर इंसान अपने अमल की तरफ जब वो गौर व फिक्र करेगा इंशाअल्लाह यकीनन जो है वो शर्म से डूब मरेगा कि हम इस लायक नहीं है कि उस पाकीज़ा नाम को अपने नाम के साथ लगाए, इसलिए कि ये वो मुकद्दस शख्सियतें हैं कि जिन्होंने जो है मदीनतुल मुनव्वरा जैसी पाकीज़ा धरती को जो है छोड़ कर करके जो है अपने नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत और बका के लिए जो है आपने जो है अपने और अपने सारे कुंबे को जो है कटा करके मुस्तफा कायनात के जो है दीन को जो है आपने महफूज फरमा लिया। हजरात आप देखें ये क्या वजह बनी थी जो हजरत इमाम अली मकाम और खानवाद ए नबूवत को तमाम चश्मो चराग जो है अपनी जानों को करबला की तपती हुई रेत पर जो है आपने जो है अपनी जानें निछावर कर दी थी। आप तारीख पढ़ें, जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें मालूम होंगी कि ये क्यों कर ऐसा हुआ। ये इसलिए हुआ कि जब दीन में रखना अंदाजी की जाने लगे, जब मुस्तफा कायनात के दीन में जो है उनमें जो है जब खुराफात पैदा किए जाने लगे, जब जो है इस्लाम के अहकामात को पामाल किया जाने लगे, तो ऐसे वक्त में जो है फिर इंसान को जो है
अपनी शख्सियत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में जो है इस्लाम की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देना ही जो है ये सबसे बड़ा जो है कारनामा है। इमाम अली मकाम ने जो है इसी चीज को अंजाम दिया कि जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पामाल किया जाने लगा, उसमें जो है तमाम खिलाफ शरा बातों को जब आम किया जाने लगा, तब जाकर के जो है मुस्तफा के ये प्यारे नवासे ने जो है खुद को और अपने तमाम अहले खानदान को कटा करके जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को महफूज व मामून फरमा लिया। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि आले नबी के खून की कीमत न पूछिए, आले नबी के खून की कीमत न पूछिए, इस्लाम जी रहा है बदौलत हुसैन की। हजरात, हजरत इमाम अली मकाम की जात बहुत ही निराली है, ये वही मुकद्दस जात है दोस्तों जिनकी मोहब्बत हम सब के लिए जो है ऐने ईमान है। ये हो ही नहीं सकता है कि जो अहले ईमान हो उसके दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत ना हो, इसलिए कि वो दिल मोमिन हो ही नहीं सकता है, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है जिसका दिल नबी के घर वालों की मोहब्बत से खाली हो। और देखें, जब आप गौर करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चार फरमाया, महबूब आपने जो है इन भटकी हुई कौमों को जहन्नम के देहाने तक पहुंची हुई कौमों को आपने जो है हटा करके जन्नत के दरवाजे तक जो ला करके खड़ा किया है, और इनकी वजह से जो जो मसायब और परेशानियां आपने जो है आपने सही हैं, तो या रसूल मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से आप ये ऐलान फरमा दें और ये कह दें कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ खुदा के बंदो, मैंने तुम्हारी निजात के लिए, तुम्हें जो है बुरे रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लाने के लिए मैंने कैसे कैसे जो है जतन को सहा है, कैसे कैसे मजालिम मैंने बर्दाश्त किए हैं, कैसी कैसी मुसीबतों को मैंने जो है झेला है, और तुमको जो है जहन्नम के दहाने से निकाल कर मैंने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया है, इसके इवज में बस सिर्फ तुमसे यह मांगता हूं कि बस मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत से जो है तुम जो है मवद्दत करो, मोहब्बत करो। आप गौर करें कुरान पाक के असलोब को आप पढ़ें, कुरान पाक में लफ्ज़ मोहब्बत भी इस्तेमाल हुआ है, कई एक जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब नबी के घर वालों से मोहब्बत की बात आती है तो रब्बे कायनात ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे नबी के घर वालों से मवद्दत करो। जब मवद्दत और मोहब्बत में जब आप फर्क महसूस करेंगे तो आपको बुनियादी फर्क मालूम होगा। मोहब्बत उसे कहते हैं कि जब दो शय में मोहब्बत हो, दो शख्स में मोहब्बत हो, और उन दोनों की मोहब्बत को जब जुदा कर दिया जाए तो फिर जुदाईगी के बावजूद भी जो है वो शख्स मरता नहीं है, बल्कि वो शख्स जिंदा रहता है। मैं एक आपके सामने मिसाल लगता हूं, बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, बेटे को बाप से मोहब्बत होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो उसकी मोहब्बत में बाप भी मर जाता है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर जो है बाप मर जाए तो उसकी मोहब्बत में जो है बेटा भी मर जाता है। तो ये मोहब्बत है कि अगर उन दोनों को जुदा कर दिया जाए तो भी जो है उसकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मवद्दत उसे कहते हैं कि जब उन दोनों को जुदा कर दिया जाए तो फिर जो है जिंदगी का कोई जो है कोई उम्मीद ही ना हो, वो शख्स मर जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, अगर कोई यह कहे कि भाई मछली को पानी से क्या है, तो जब मछली को पानी से यह मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कहते हैं जब दोनों को जुदा कर दिया जाए तो किसी पर फर्क ना पड़े, लेकिन जब आप मछली को पानी से निकालेंगे तो फिर वो मछली जिंदा नहीं रहती है। यह है मवद्दत। इसी तरीके से जिस तरीके से मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो फिर वो मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती है, इसी तरीके से मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी औलाद से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना है। इसलिए कि मोहब्बत में यह होता है कि अगर उनसे जुदाईगी इख्तियार कर लो तो फिर
बच जाओगे, लेकिन मुवद्दत वो होता है कि अगर एक लम्हे की भी भी तुम जुदा हुए तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मुस्तफा कायनात ने जो है कयामत तक आने वाली नस्लों को ये हुक्म और सबक दे दिया, दोस्तों हमारे घर वालों से एक लम्हे के लिए भी उनकी मोहब्बत से अपने आप को जुदा ना करना, इसलिए कि मेरे घर वालों की मोहब्बत से एक लम्हे की जुदाई भी जो है तुम्हारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगी। और याद रखिए कि मवद्दत एक लम्हे की जुदाई भी जो उसे तबाह बर्बाद कर देती है। मौत दो तरह से होती है, एक बड़ी आसानी के साथ और एक मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते हुए, है ना। मवद्दत अगर किसी के दिल से खत्म हो जाए तो उसकी मौत तो लाजमी है ही है, लेकिन अगर मौत भी आती तो आसानी से आती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मवद्दत जब इंसान तर्क करता है ना तो मौत तो लाजमी है ही है, लेकिन मौत भी जो आती है वो बहुत आसान तरीके से नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे देखो मछली से पानी को मोहब्बत नहीं मवद्दत है, जब मछली को पानी से जुदा कर करके खुश्की पर रख दोगे तो वो अचानक नहीं मरती बल्कि वो तड़प तड़प कर मदा करती है। यानी अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब अपनी उम्मत से कह दो, मेरे बंदों से कह दो कि मेरे घर वालों की मोहब्बत से एक लम्हे के लिए भी जो है तुम जुदा ना होना, इसलिए कि एक लम्हे के लिए भी जुदा हो तो मौत भी यकीनी है, और वो मौत भी जो है आसानी के साथ नहीं होगी बल्कि तुम्हारी जो वो मौत होगी बहुत दर्दनाक तरीके से, तड़पते हुए तुम मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते हुए जो है तुम इस दुनिया को छोड़ते हुए नजर आओगे। तो ये नबी के घर वाले हैं दोस्तों, और क्यों ना हो, क्यों ना हो, वो इसलिए है कि हमारा इमाम इमाम अली मकाम सैयदुल शोहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक जो है ये सिर्फ अपने घर वालों की जिंदगी का नाम नहीं है, सिर्फ अहले मदीना या अहले मक्का की जिंदगी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा है, कयामत तक जो है आने वाली तमाम लोगों की जिंदगी है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान सारी लोगों पर है, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या प्यारा जुमला मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि दुनिया वालों सुनो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, मैं भी हुसैन से हूं। ये तो बिल्कुल सही है, हम सब आप बखूबी जानते हैं कि जो है बाप बेटा बाप से होता है, है ना, नवासा नाना से होता है। तो यहां तक का जुमला तो मुस्तफा का समझ में आता है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी कि हुसैन मुझसे है, लेकिन अगला जुमला जो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वह आना मिनल हुसैन और मैं भी हुसैन से हूं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मुहद्दिसीन को आप पढ़ेंगे तो आप क्या खूबसूरत जवाब दिया है, उन्होंने कहा हाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल में बहुत बड़ी हिकमत है, यानी मुस्तफा ये फरमाना चाहते हैं दुनिया वालों हुसैन मुझसे है, उसका मतलब ये है कि अपनी मां की गोद से लेकर के करबला तक जो है ये हुसैन मुझसे है, और जो है करबला से लेकर के रहती दुनिया तक जो लोग मेरा कलमा पढ़ेंगे वो हुसैन की बदौलत पढ़ेंगे, इसलिए करबला से कयामत तक मैं हुसैन से हूं। आप अंदाजा लगाइए ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखकर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बहरहाल दोस्तों मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं ये बड़ा बामुकद्दस और बाअज़मत दिन है दोस्तों, इस दिन की अहमियत और फजीलत को हम समझें। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने में और बिलखसूस आशूरा के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूब खूब इबादत और रियाजत की, आप समझ रहे हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं कि और किसी नफल रोजा को रखने में जो एहतमाम मुस्तफा कायनात ने बरता है
और नवाफिल रोजे जो होते हैं मुस्तफ़ा कायनात उसे भी जो है रखते थे, लेकिन जो है जब आशूरा का रोजा आता था तो इसके एहतमाम बड़ा निराला हुआ करता था। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रोजे को जो है बहुत एहतमाम के साथ और लोगों को भी जो है इसका जो है आप इसकी तरफ रगबत दिलाते थे और फरमाते थे कि जो है आशूरा का रोजा रखा करो और इस दिन जो है गुरबा मसाकीन अपने पड़ोसियों के हर जो है उस शख्स की जिसको जो हाजत है जरूरत है उसकी जरूरतों को इसकी हाजतों को तुम पूरा करो। आप देखें आज भी जो है आप देखें आज के दिन में हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जाइए अभी कल्फी साहब आए थे वो कह रहे थे कि साहब हमें महसूस ही नहीं होता है कि ये मुहर्रम का महीना है। वो बहुत अफसोस आता है कि मियाँ हमको नहीं लगता है कि ये मुहर्रम का महीना है। अपनी तरफ आप जाप करके हम लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर रोज यहाँ जिक्र इमाम हुसैन मनाया जाता है। बोले हाँ वो सही है, लेकिन जो एहतमाम होना चाहिए है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों का, उनके अहले बैत के चाहने वालों का जो एहतमाम होना चाहिए वो एहतमाम नहीं देखने को मिलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप इस बस्ती से निकलें और जाएं आप दूसरे स्टेट में और दूसरी स्टेटों में जाकर के उन दूसरे शहरों में कस्बों में आप जाकर के देखें, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का चांद नमूदार होता है आप देखिए गली कूचों में हर शख्स अपनी अपनी गलियों में हुसैनी लंगर का एहतमाम किए हुआ है, हुसैनी सबीले कायम किए हुआ है, गुरबा मसाकीन और मुसाफिर को आने जाने वालों के लिए जो है क्या क्या एहतमाम किए जा रहे हैं। हर जगह जो है इमाम हुसैन के नाम से जो है लंगर आम किया जाता है, गुरबा मसाकीन का खास ख्याल किया जाता है। इसी चीज के ताल्लुक से जो है वो फरमा रहे थे। हम बोला हाँ ये तो सही है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह अज़ीज मैं इस चीज को भी जो है देख रहा हूँ कि अब और साल के बनिस्बत जो है हर साल जो है माशाअल्लाह जो है हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से महफिलों का आगाज इनेकाद और जो है सबीले कायम करना लंगरों को आम करना अब धीरे धीरे इन इलाकों में भी आम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला और होगा, इसलिए कि इमाम आली मकाम ज़ात पाक वो ज़ात है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी सारी दुनिया में याद इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला मनाया जाता रहेगा। बहरहाल दोस्तों उस मुकद्दस दिन का जो है हम और आप ख्याल रखें और उसमें बढ़ चढ़ कर जो है हम अल्लाह की इबादत व रियाजत तकबीर व तकदीस हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला कल बरोज शनिवार शंबा इंशाअल्लाह ताला नमाज आशूरा का जो है एहतमाम किया गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात जो है 9 बजे 8:30 बजे जो है आप हजरात इस बैतुल्लाह शरीफ में इस मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाएं और नमाज आशूरा और वो मखसूस दुआएं जो हमारे बुजुर्गों से नबी के घर वालों से जो है तवातुर के साथ जो है वो ताल्लुक से यह आया है कि इसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत साल भर तक तमाम तरह के जो है बलाओं से भी महफूज फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत के सदमे से भी परवरदिगार आलम इस मखसूस दिन में उस दुआ के पढ़ने से रब्ब कदीर मौत के सदमे से भी उसे महफूज व मामून फरमा देता है। इंशाअल्लाह आप हजरात बहुत एहतमाम के साथ नहा धो करके अच्छी तरीके से आए और उस दिन में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाजत करें, उस खास दुआओं को खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और जो बच्चे ना पढ़ सकें तो कम से कम एक शख्स जो पढ़ना जानता हो अपने अहले खाना को अपने पास बैठाल करके उन बच्चों को पढ़ के सुना दे, है ना। ये सब रिवायतों में आया है। तो आप हजरात कल इंशाअल्लाह 8:30 बजे से पहले पहले आप इस मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाएं, नमाज का एहतमाम करें, उन दुआओं को पढ़ने के लिए जो है कमर बस्ता हूँ। परवरदिगार आलम हम सबको इसकी खूब तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मुहम्मदिया में मुस्तहिकीन का कि जरूरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो है उनका ख्याल रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।